कर्मचारी संघ हरियाणा व सीटू से जुड़े ठेका कर्मी सीएससी इंद्री के समीप एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने चेताते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारी 15 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। 7 अस्पतालों में लगे सिक्योरिटी गार्डों को हटाने का फैसला वापस नहीं लिया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ठेकेदारों को बीच में से निकाला जाए। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के तहत लगे कच्चे कर्मचारी वार्ड बॉय, स्वीपर कर्मचारी व चौकीदार हैं, जिनका 10, 12 व 15 हजार रुपए वेतन में शोषण किया जा रहा है। बीजेपी व जेजेपी ने चुनाव में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने, समान काम समान वेतन लागू करने जैसे वादे किए थे, लेकिन सरकार के मंत्री अब अलग तरह के बयान दे रहे हैं कि अस्पताल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड लगे कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह होमगार्ड को लगाएं। इससे करीब 8,000 कर्मचारियों के घर चूल्हा बंद होने की कागार पर हैं। लेकिन हम कहते हैं कि पुलिस विभाग में अनेक पद खाली पड़े हैं, उनमें जनता की सेवा के लिए होमगार्ड लगा दो, लेकिन अस्पतालों में लगे सिक्योरिटी गार्डों को नहीं हटाया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में लगे सिक्योरिटी गार्डों को हटाने का फैसला वापस लिया जाए, नहीं तो निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ठेकेदारों को बीच में से निकाला जाए। देखिए समाचार एक्सप्रेस के रिपोर्ट। ये स्वास्थ्य विभाग के अंदर आउटसोर्स के तहत लगे हुए हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, जो वार्ड बॉय हैं, स्वीपर हैं, माली है, पीएन है, चौकीदार, अलग अलग कैटेगरी आउटसोर्स के तहत लगी हुई है और कच्चे कर्मचारियों को लगभग 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये में इनका शोषण हो रहा है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं सभी, मतलब जो माँ बाप ने जो जिन उम्मीद को लेकर इनको पढ़ाया लिखाया था कि मेरा लड़का कोई बढ़िया नौकरी पर लगे, अच्छी नौकरी पर लगे और परमानेंट नौकरी हो, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था चुनाव घोषणा पत्र में, पिछले प्लान में भी वादा किया था, जेजेपी ने वादा किया था कि कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे और ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, समान काम समान वेतन लागू करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अब अलग तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं उनको हटा के उनकी जगह होमगार्ड को लगाया जाएगा। हम कहते हैं होमगार्ड को आप लगाओ, पुलिस विभाग में इतनी सीटें खाली हैं जनता को सेवाएं देने के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए आप होमगार्ड लगाओ, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं उन सिक्योरिटी गार्ड को वहीं का वहीं रहने दें। दूसरी मांग हमारी है, जो ठेका हर साल बदलता है, वो ठेका बदलने के बाद ठेकेदार जो है कर्मचारियों से पैसे लेते हैं, इनका शोषण करते हैं और कई कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जबकि सरकार का लेटर भी है ये कि जो ठेकेदार अगर बदल जाता है या सेंक्शन दोबारा आती है, जो कच्चा कर्मचारी जिस जगह पर काम कर रहा है वो कच्चा कर्मचारी नहीं बदला जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अंदर ये लगातार देखने में आ रहा, हर साल ठेका चेंज होने के बाद कुछ ना कुछ साथियों को हमारे बदल दिया जाता है। एक तरफ तो बीजेपी सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की जो बात करती है, वो ठेकेदारी प्रथा कहता है, जो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग के अंदर है मतलब उसको समाप्त करने की हम बात करते हैं कि इन ठेकेदारों को बीच में से निकाल के इनका कमीशन बंद करके स्वास्थ्य विभाग के अंदर कर्मचारी काम करें, स्वास्थ्य विभाग ने पैसा देना है तो ठेकेदार का बीच में कमीशन क्यों। इसलिए 1 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पूरे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मी प्रदर्शन के लिए गए थे और उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था कि मैं इस बारे में सोचूंगा। उसके बाद दोबारा जब डेलीगेशन स्वास्थ्य विभाग का सीटू और सरकर्मचारी संघ का मिलने के लिए गया तो वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। अब 15 मार्च को दोबारा से फिर स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज उनके आवास पर प्रदर्शन होगा और उन्होंने अगर तब भी इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो वहाँ लगातार अनिश्चितकालीन जो प्रोग्राम है वहाँ धरने का वहाँ चलेगा और सभी जिलों से बारी बारी से हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहाँ बैठेंगे। सीटों और सरकर्मचारी संघ हरियाणा इसका नेतृत्व करेगा, नहीं माननी जाएगी और ये बीच में से निकालने का या सिक्योरिटी गार्ड को बदल के होमगार्ड लगाने का निर्णय सरकार वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और सीटों और सरकर्मचारी संघ हरियाणा इसका नेतृत्व करेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.